हेलो गुड इवनिंग व्यूवर्स, वेलकम टू अफाकी बेसिक्स एंड एंटरटेनमेंट। आज हम आपके सामने मैथमेटिक्स का एक बेसिक सा कंसेप्ट लेके हाजिर हुए हैं। देखिए, यूजुअली मैथमेटिक्स में यह रहता है कि जो मैथमेटिक्स के लॉज हैं, जो थ्योरम्स हैं, उनका थ्योरेटिकली हमें पता होता है, लेकिन उनके पीछे लॉजिक क्या है उस चीज से हम महरूम रहते हैं। उसी तरीके से हम आपके लिए मैथमेटिक्स में से एक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में से आपके लिए एक लॉ लेके आए हैं। थ्योरेटिकली उस लॉ का हमें पता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम आपको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और वो लॉ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का कुछ इस तरह से है। एनी नंबर रेज्ड टू पार जीरो इज इक्वल टू वन, इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ये ऑलवेज मैंने इसलिए नहीं लिखा है, इसका बाद में लिखने का ये रीजन था कि अगर ऑलवेज मिसिंग है लॉ में से, इट मींस वो थ्योरेटिकली पहले ही गलत है। ये ऑलवेज अगर होगा, इट मींस ये लॉ थ्योरेटिकली सही है। इसलिए लॉ ये है कि एनी नंबर रेज टू पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन, इस ऑलवेज का बहुत बड़ा रेलिवेंस है। अगर ऑलवेज मिसिंग है तो लॉ जो है वो थ्योरेटिकली ही गलत है, उसको प्रैक्टिकली क्या प्रूव करना है। देखिए, सपोज करिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, एनी नंबर रेज टू पावर जीरो, मान के चलिए हम टू लेके चलते हैं। टू रेज टू पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ये है थ्योरेटिकली कि लॉ क्या कहता है। अब हम बताएंगे आपको कि वाकई ही में टू रेज टू पावर वन के बराबर है या नहीं। कहीं टू रेज टू पावर जीरो टू के बराबर तो नहीं, या कहीं टू रेज टू पावर जीरो थ्री के बराबर तो नहीं। अगर तो प्रूव करने के बाद इन द एंड टू रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन आ गया, इट मीन्स ये लॉ थ्योरेटिकली सही है और प्रैक्टिकली तो हम प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। टू रेज टू पावर टू डिवाइड बाय टू रेज टू पावर टू, ये हमने अपनी मर्जी से एग्जांपल ली है क्योंकि इस चीज को हमें प्रूफ करना है। अब आप कहेंगे कि आपने इनकी पावर टू ही क्यों ली, पावर डिफरेंट भी हो सकती थी, थ्री और फोर ले लेते, या फाइव और फोर ले लेते, या सिक्स या फोर ले लेते, लेकिन पार टू और टू इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे ये लॉ एक्सप्लेन करना है, मुझे पार जीरो आनी चाहिए, इसलिए मैंने टू और टू लिया है। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रैक्टिकली इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए टू और टू लिए। अब इस इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो यह तरीका है कि मान के चलो मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा। मैं लेमैन टर्म्स में, सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा कुछ इस तरह से। टू रेज टू पावर टू, यानी सिंपली हम कहें टू रेज टू पावर टू मीन्स दो का स्क्वेयर, यानी दो गुना, यानी टू इंटू टू डिवाइडेड बाय टू रेज टू पावर टू, टू इंटू टू इज इक्वल टू टू इंटू टू फोर डिवाइड बाय टू इंटू टू, इट इज फोर, एंड फोर डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू वन। यानी सिंपल टर्म्स में इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया वन। यानी जब मैंने 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 2 को सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में सॉल्व किया तो आंसर आया
वन, इसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन वन। अब इसी इक्वेशन को दूसरा तरीका सॉल्व करने का ये है कि मैं जो प्योर मैथमेटिक्स है उसका यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में इस चीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का यूज करके हम इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये बेसिस है और ये पावर्स है, इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर में एक लॉ ये है कि अगर बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है यानी 2^2 / 2^2, अगर बेसिस सेम है, ये बेसिस है, अगर बेसिस सेम है तो उन बेसिस को हम जब जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उन बेसिस को हम एक ही बार लिखते हैं बजाय दो बार लिखने के। एक बार लिखेंगे इफ बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम है तो बेसिस को हम एक ही बार लिखेंगे। और दूसरी चीज ये देखेंगे हम कि उन बेसिस के दरमियान साइन क्या है, उन बेसिस के दरमियान जो साइन है वो डिवीजन का है। अगर बेसिस सेम है, लॉ ये कहता है कि अगर बेसिस सेम है और उनके बीच में साइन डिवीजन का है, उनके बीच में साइन डिवीजन का है, उनके दरमियान साइन डिवीजन का है, तो बेस एक बार लिखिए और उनकी पार जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बेस एक बार लिखिए और देख फिर देखिए साइन, साइन डिवीजन का है अगर, तो उनकी पार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी यानी पहली पार में से दूसरी पार सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 - 2 इज इक्वल टू 2^2 - 2 0, 2^0। देखिए मैंने एक ही इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व किया और आंसर हमारे पास दो डिफरेंट आंसर्स आए। जब मैंने लेमन टर्म्स में किया तो आंसर वन आया, और जब मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का यूज करके उसी इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर टू आया, यानी आंसर मेरे पास 2^0 आया, दो डिफरेंट आंसर्स आ गए। अब इस इक्वेशन को हम मान के चलते हैं इक्वेशन टू, यानी इक्वेशन टू हमारे पास क्या है, 2^2 / 2^2 इज इक्वल टू 2^0। दो तरीके से सॉल्व किया उसी इक्वेशन को, 2^2 / 2^2 जब लेमन टर्म्स में सॉल्व किया तो आंसर वन आया, इसको हम मान के चले इक्वेशन वन। और जब इसी इक्वेशन को हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के मेथड से एक लॉ को यूज करके सॉल्व किया तो वो आंसर हमारे पास आया 2^2 / 2^2 इज इक्वल टू 2^0। यहां तक हम कर चुके हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन वन आई, इक्वेशन टू आई। अब देखिए यहां पे आपको कौन सी दो चीजें बिल्कुल सेम दिख रही हैं, ये तो डिफरेंट है, ये वन डिफरेंट, ये 2^0 डिफरेंट, लेकिन ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इक्वेशन तो सेम है लेकिन दो है, फर्स्ट जी सेकेंड ये, इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन सेम है। अब हम ये मान के चलेंगे कि जो इक्वेशन सेम है यानी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो इनको हम सेम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन राइट हैंड साइड इनकी डिफरेंट है, राइट हैंड साइड डिफरेंट है, इनको हम डिफरेंट अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको वन को हम बी से कर देंगे और 2^0 को हम सी से कर देंगे। अब देखिए यहां पे क्या आ गया कि ए इज इक्वल टू बी, पहली इक्वेशन में हमारे पास आ गया कि ए जो है वो बी के बराबर है, और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास आ गया कि ए जो है वो सी के बराबर है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, और मान के चलो ए राम है, ए जो है वो राम है,
बी जो है वो श्याम है, फिर ए आ गया, ए तो राम है क्योंकि सेम है, और सी हम मान के चलते हैं अजय। ये मान के चलिए कि राम की एज जो है वो श्याम के बराबर है, यानी राम और श्याम की जो उम्र है वो बराबर है। मान के चलो राम की एज 11 है, तो अगर राम की और श्याम की एज बराबर है तो श्याम की भी 11 होगी, ठीक। राम की 11 है तो यहां पे भी राम की 11 होगी, वही राम है, यानी वही लेफ्ट हैंड साइड सेम, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये भी राम है, ये भी राम है। अगर राम की यहां 11 है तो यहां यहाँ पे भी 11 होगी। अब इस क्वेश्चन में ये है कि राम की एज जो है वो अजय के बराबर है, यानी अजय की और राम की जो एजेस है वो बराबर है। अगर राम की 11 है तो अजय की भी 11 होगी। देखिए यहां पे सभी की एजेस जो है वो सेम आ गई, वही मेथड आपने यहां पे लगाना है कि अगर राम की एज श्याम के बराबर है और राम की एज अजय के बराबर है तो इट मीन श्याम की और अजय की एज भी बराबर होगी, यहां तो सेम आ रही है ना, इट मीन श्याम की और अजय की एज भी बराबर है। यही चीज यहां पे है कि अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर भी है, यानी ए और बी भी बराबर है और ए और सी भी बराबर है, तो इसका मतलब बी और सी भी बराबर होंगे। अगर राम की एज और श्याम की एज बराबर है और राम की एज भी और अजय की एज भी बराबर है, यहां भी राम की एज 11 है, यहां भी राम की एज 11 है, तो अगर राम की और श्याम की बराबर है 11 11, राम की और अजय की भी बराबर है 11 11, तो श्याम की और अजय की भी 11 11 है, इसका मतलब श्याम और अजय भी की भी एज बराबर है। वैसे ही यहां पे अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है तो बी और सी भी बराबर होंगे, यानी बी इज इक्वल टू सी, और अगर बी और सी बराबर है तो बी हमारे पास क्या है, 1, 1 इज इक्वल टू सी क्या है, 2 रेज टू पार 0, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि 2 रेज टू पार 0 इज इक्वल टू 1। ये था थियोरेटिकली जो हमने शुरू में लिया था कि एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, उस चीज को हमने सॉल्व किया, प्रैक्टिकली बताया कि वाकई ही में 2 रेज टू पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है। अब देखिए 2 रेज टू पावर 0 1 के बराबर है, यहां पे भी अगर आप 2 रेज टू पावर 0 की वैल्यू 1 रख देंगे, 2 रेज टू पावर 1 की वैल्यू, 2 रेज टू पावर 0 की वैल्यू यहां भी अगर 1 रख दोगे आप, तो 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 रेज टू पावर 0 1 के बराबर है। यहां पे भी 1 कर दो, 2 रेज टू पावर 0 को 1 से रिप्लेस कर दो, 1 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी 2 रेज टू पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है, यानी 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 रेज टू पावर 0 भी 1 के बराबर है, 1 इज टू 1। इसलिए जहां से हमने शुरू किया था कि एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, उस चीज को हमने प्रैक्टिकली आपको बताया, उसके पीछे लॉजिक बताया कि 2 रेज टू पावर 0 जो है वो हमेशा 1 के बराबर क्यों होता है, यानी एनी नंबर रेज टू पावर 0 जो है वो 1 के बराबर क्यों होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।